हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई, जो कि झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। इसी के साथ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो वेलकम हेयर एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डिलीशियस एंड हेल्दी रेसिपीज़। सो नाउ लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड स्टार्ट मेकिंग दिस डिलीशियस कढ़ाई विद सच एन ईजी स्टेप्स। तो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने ले लेने हैं चार से पाँच टमाटर और मीडियम साइज़ के, और हम इनको सिर्फ और सिर्फ दरमियान से हाफ में कट कर लेंगे, बिकॉज हम लोगों को इनकी स्किन रिमूव करनी है बाद में। और इन टमाटरों को हम लोगों ने साइड पे रख देना है, और फिर अब हम लोग डायरेक्ट अपना काम सारा पेचकी के अंदर स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास कढ़ाई है बड़ी तो आप उसके अंदर भी बना सकते हो। हमने यहाँ पे सबसे पहले लेना है ऑयल, और उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को फ़ौरन से हिलाएंगे नहीं, उसके अंदर साथ में डाल देंगे हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा चमचा हिलाकर इसकी सारी साइड्स को हम लोगों ने इक्वली वाइट टू गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। और सारा काम हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे करना है। यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करना है अब प्याज का पेस्ट। ये हम लोगों ने एक छोटा मीडियम स्मॉल सा प्याज ले लिया, और इसको हम लोगों ने ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया है। अगर आप लोगों को लगे कि सालन ज़रा सा नीचे लग रहा है चिकन, तो उसके अंदर आप 1/4 कप पानी डाल सकते हो ताकि थोड़ा सा वो सेट हो जाए। अब हम लोगों ने यहाँ पे टमाटर सेट कर दिए हैं, और अब हम लोग इसको ढक कर 15 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, नॉट टू हाई बट मीडियम फ्लेम के ऊपर। और फिर हम लोगों ने जब ढक्कन हटाया तो हम लोगों की स्किन जो सी है काफ़ी लूज़ हो चुकी है। अब हम स्किन ऊपर से उतार लेंगे टमाटरों के, और इन टमाटरों को हल्का हल्का मश कर देंगे चम्मच की मदद से, और ये अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर ही। अब यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम थोड़ी सी दोबारा हाई कर देनी है, और अब हम लोगों ने दही ले लिया, और इसको अच्छे से बीट करने के बाद हम लोगों ने इस पॉइंट पे ऐड कर देना है। दही डालने के बाद ही हम लोगों ने मसाले ऐड करना शुरू करने हैं। यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं भुना कुटा ज़ीरा, साथ में हम लोगों ने ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर, साथ में हम लोग ऐड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स, फिर है हमारे पास ब्लैक पेपर, सूखा धनिया जो कि क्रश हुआ हुआ है, पहले हमने पाउडर डाला था फिर क्रश डाला है। यहाँ पे हमने डाला है गरम मसाला, साथ में हमने डाली हल्दी, और इसके बाद हम लोगों ने एक डाल देनी है रेड चिली पाउडर, जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट के सेट कर सकते हो। फिर हमने डाला है सॉल्ट, और यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं जो कि मस्ट है, उसका बहुत अच्छा अरोमा आता है। और साथ में हम लोगों ने ऐड कर दिया थोड़ा सा चाट मसाला भी। अब हम लोगों ने अच्छे से इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है, क्योंकि जो सा इसकी थोड़ी वाटरी कंसिस्टेंसी है ये थोड़ा सूखने में आ जाए और थोड़ा सा थिक मसाला बन जाए, जो कि हम लोगों को एग्जैक्टली कढ़ाई का लुक देगा। बीच बीच में आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे सालन। और यहाँ पर देखें काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और अब हम इसको लो फ्लेम के ऊपर धनिया डालने के बाद 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे, और उसके बाद हम लोगों की कढ़ाई हो चुकी है रेडी। देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी तैयार हुई है, और कितने थोड़े इन्ग्रीडियंट के साथ बहुत ही मज़े का ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बना लेते हैं इसके साथ जाने वाली बहुत ही डिलीशियस पुदीने की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है धनिया और पुदीना मिक्स, जो कि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा काट दिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़। ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को जितना मिर्ची वाला पसंद होता है आप उतनी मिर्ची डालो, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद तो मैंने सिर्फ छोटे से 3 उसके डाले हैं। और इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ दही, और साथ में थोड़ा सा दही का पानी, और अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर बाकी इन्ग्रीडियंट डाल दिए हैं, जो कि हैं सॉल्ट, अनारदाना, और अब हम लोगों ने इसको दोबारा से ब्लेंड कर लिया और बहुत ही अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लिया। और अब हम इसके अंदर बाकी का दही ऐड कर देंगे टू मेक ओवर चटनी, और ये हम लोगों के पास इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छी सी हम लोगों की चटनी रेडी हो जाएगी, थिक सी। आप इसकी इस कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, और ये कढ़ाई के साथ लाजमी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसे आप लोग लाजमी बनाइएगा। और अब हम अपना कढ़ाई को डिश आउट कर लेते हैं। गाइस, ये बहुत ही मज़े की बनी थी और झटपट ख़त्म भी हो गई थी, तो इसे आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, एंड मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा इफ़ यू ट्राई इट। एंड
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी और रेसिपीज़ आने वाली मिलती रहा करें। और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।